Welcome student, now we start exercise 5.10, find the LCM of the given polynomial by factorization. अच्छा देखें ये 1 to 6 और फिर 7 to 9, 10th question है ये और इसमें दो तरीके से LCM find करेंगे. नंबर फर्स्ट है factorization एंड द सेकेंड इज विद द हेल्प ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, 7 टू 10 आपको जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से एलसीएम फाइंड करना है और 1 टू 6 जो है वो आपको एलसीएम फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से. अब देखें एलसीएम सबसे पहले आप ये फाइंड पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है. सो द एलसीएम इज अगर सपोज एक पॉलीनोमियल है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है सेकेंड पॉलीनोमियल से तो हम कहेंगे कि वो कॉमन फैक्टर है सेकेंड पॉलीनोमियल का. ठीक है, तो अगर बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स होते हैं इसमें जो लीस्ट डिग्री ऑफ कॉमन मल्टीपल्स होता है वो क्या कहलाता है LCM. अंडरस्टैंड, इसको LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स एब्रिवेशन है इसका LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. ये इक्वल होता है फैक्टराइजेशन मेथड से कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड द प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स. अगर कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल हैव टू फाइंड LCM. ठीक है, अच्छा ये बात नोटिस हुई भी है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ कॉमन और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फाइंड करेंगे जब हम तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा फर्स्ट पॉलीनोमियल इनटू सेकंड पॉलीनोमियल. यानी फर्स्ट पॉलीनोमियल और सेकंड पॉलीनोमियल का प्रोडक्ट जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM के इक्वल होता है. तो LCM अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से फाइंड करेंगे तो LCM इक्वल होगा फर्स्ट पॉलीनोमियल इनटू सेकंड पॉलीनोमियल अपॉन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ए इनटू बी अपॉन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अंडरस्टैंड, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. द क्वेश्चन नंबर 1 इज, यहां मैं दो क्वेश्चन करूंगी. फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4th का पार्ट है इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए 6 प्लस बी 6 एंड ए 12 माइनस बी 12. ठीक है, फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट पॉलीनोमियल यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के. फिर सेकेंड पॉलीनोमियल है ए 6 प्लस बी 6, ये भी क्यूब के फार्मूले से एक्सपेंड होगा तो ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर का क्यूब है ये प्लस बी स्क्वायर का क्यूब है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी 4 यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के. अंडरस्टैंड, दोनों के फैक्टर्स फाइंड कर लिए. अब थर्ड पॉलीनोमियल है ए 12 माइनस बी 12, इसके सबसे पहले अगर देखें डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फार्मूला. ए 6 का स्क्वायर है माइनस बी 6 का स्क्वायर है तो ये इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए 6 माइनस बी 6, ए 6 प्लस बी 6. अब ए 6 माइनस बी 6 अगेन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फार्मूले से एक्सपेंड होगा तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फिर ए 6 बी 6 के आप फैक्टर्स क्यूब से करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी 4. ये ऊपर भी आपने ए 6 प्लस बी 6 के फैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं. अंडरस्टैंड, अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स हो जाएंगे क्यूब के फॉर्मूले से ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के हो जाएगा. और लास्ट के फैक्टर्स हमने एज इट इज लिख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी 4. अच्छा अब चेक करें कि कॉमन कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पेंसिल से अंडरलाइन कर रही हूँ. यहाँ पे ये कॉमन है फर्स्ट फैक्टर से, देखें ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सेकेंड आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फैक्टर कॉमन है, ये देखें ए 6 के फैक्टर्स हैं. ठीक है, ये कॉमन हो गया. तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमने लिख दिए ए माइनस बी है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी फोर के। अंडरस्टैंड? अब देखो कॉमन फैक्टर्स लिखने के बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स भी हैं यहाँ पर, वो क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स भी हमने यहाँ लिख दिया। एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, यानी कॉमन इंटू नॉन कॉमन, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये पहले हमने कॉमन फैक्टर्स लिख दिए, फिर उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो देखो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। अंडरस्टैंड? अब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब फिर सेकेंड आपका ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए सिक्स प्लस बी सिक्स के, ये बी सिक्स के फैक्टर से। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए सिक्स माइनस बी सिक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज रहा। फिर ये देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगेन इज द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, ए सिक्स का स्क्वायर माइनस बी सिक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए ट्वेल्व माइनस बी ट्वेल्व, हैंस द एल सी एम इज ए ट्वेल्व माइनस बी ट्वेल्व। द सेकेंड क्वेश्चन जो कि मैं फिफ्थ क्वेश्चन इस क्वेश्चन का कर रही हूँ, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस थ्री, सेकेंड पॉलिनोमियल है टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व, एंड द थर्ड पॉलिनोमियल इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस फोर। वन बाय वन तीनों पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, एंड देन फिर कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस थ्री के फैक्टर्स फाइंड करेंगे बाय मिडिल टर्म ब्रेक, तो ये सिक्स एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहा, सिक्स थ्री जो एटीन, एटीन के फैक्टर्स इनका सम इलेवन आए तो वो क्या होंगे, नाइन इंटू टू, नाइन प्लस टू नाइन एक्स प्लस टू एक्स में इलेवन एक्स को ब्रेक कर दिया, प्लस थ्री एज इट इज़ रहा। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन टेक आउट करें तो थ्री एक्स होगा और रिमेनिंग आएगा टू एक्स प्लस थ्री। फिर लास्ट टू टर्म में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, वन इज़ कॉमन, रिमेन इज टू एक्स प्लस थ्री, कॉमन ब्रेकेट 2x प्लस 3 एंड द रिमेन्स इज 3x प्लस 1, हैंस द 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1। फिर इसी तरह से सेकेंड पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 के फैक्टर्स फाइंड करें, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12, देखो माइनस ट्वेल्व टू जो 24, 24 के ऐसे फैक्टर्स इनका सम माइनस फाइव है, माइनस फाइव यानी माइनस एट प्लस थ्री, माइनस एट प्लस थ्री माइनस फाइव और माइनस एट इंटू थ्री माइनस 24, ठीक है। फिर फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन टेक आउट किया तो 2x और रिमेनिंग x माइनस फोर, लास्ट टू टर्म में से प्लस थ्री इज कॉमन एंड रिमेन्स इज x माइनस फोर, हेंस द कॉमन ब्रैकेट इज x माइनस फोर एंड द रिमेन्स इज 2x प्लस 3, हेंस द फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इज x माइनस फोर एंड 2x प्लस 3, ये इसके फैक्टर्स हो गए। फिर थर्ड पॉलिनोमियल, थर्ड पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4, इन तीनों के भी मिडिल टर्म ब्रेक से हो जाएंगे, तो 4 3 जो 12, 12 के फैक्टर्स इनका सम माइनस 11 आए वो क्या हो जाएंगे, माइनस 12x प्लस x, ठीक है। सो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x माइनस 4 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। फिर आप देखो फर्स्ट टू टर्म में से टेक आउट द कॉमन इज 3x और रिमेनिंग आएगा आपके पास x माइनस 4, फिर x माइनस 4 में से प्लस 1 इज कॉमन, द रिमेनिंग आर x माइनस 4, हैंस द कॉमन टेक आउट x माइनस 4 इज कॉमन एंड द 3x प्लस 1 आर रिमेनिंग। अब देखो यहाँ पे 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, ये हमने कॉमन फैक्टर्स में लिख दिया 3x प्लस 1, फिर 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 यहाँ दोनों में कॉमन है, ये हमने कॉमन लिख दिया, फिर x माइनस 4 और x माइनस 4 ये दोनों में कॉमन है, यहाँ पे कॉमन हमने लिख दिया। अब जाहिर सी बात है नॉन कॉमन तो यहाँ कोई आ ही नहीं रहा, हेंस द एल सी एम इज 2x प्लस 3, 3x प्लस 1 एंड x माइनस 4,
सो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप बाकी के क्वेश्चन करें, फैक्टर्स बनाएं, कॉमन फैक्टर निकालें, हाईएस्ट कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड करें और फिर दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करके एलसीएम फाइंड कर सकते हैं।